भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के धर्म गुरु को अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास में बुलाए जाने पर वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर। पूरे हिंदुस्तान में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी है। इसी खुशी के बीच वाल्मीकि समाज के लिए खुशी की ये खबर है कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के धर्म गुरु डॉक्टर देव सिंह अदिति को अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना हेतु शिलान्यास के लिए भारत सरकार ने बुलावा भेजा है। इस सूचना से पूरे वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जिससे वाल्मीकि समाज अपने वाल्मीकि समाज को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के सर्वोच्च निर्देशक लल्ला बाबू द्रविड़ द्वारा मुरादाबाद स्थित सिविल लाइन में पत्रकारों से वार्ता करके वाल्मीकि समाज की सरकार के प्रति अपनी भावना व्यक्त की। इस मौके पर भावदस के सर्वोच्च निर्देशक लल्ला बाबू द्रविड़ ने बताया कि अयोध्या श्री राम लल्ला के भूमि पूजन के बाद लौटते हुए मुरादाबाद में उनके धर्म गुरु का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर रवि द्रविड़, रॉबर्ट चौधरी, बलबीर भारती, आदेश कुमार, बबलू, विक्की बादशाह, विशाल सरन, विशाल द्रविड़ आदि लोग मौजूद थे। आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, वाल्मीकि समाज के डॉक्टर देव सिंह अद्वैती जो डीफिलिट उन्हें अयोध्या बुलाया गया है भूमि पूजन के लिए। इससे पूरे समाज में हर्ष है कि हमारी समाज के विद्वानों का सम्मान किया जा रहा है और पूरा वाल्मीकि समाज उल्लास देखने को मिल रहा है। जब वो वहाँ से लौटेंगे अयोध्या से 7 तारीख को, तो पूरे बरेली, शाहजहानपुर वगैरह सब में, नखलो वगैरह में उनके स्वागत होंगे और मुरादाबाद में आकर भी वो ठहरेंगे। मुरादाबाद में किस तरह से स्वागत किया जाएगा जब उनकी वापसी होगी? जब वो अंदर मुरादाबाद में प्रवेश करेंगे तो हार फूलों से उनका स्वागत कार्यकर्ता करेंगे और पीली घूटी के ऊपर करेंगे। ये सब ऐसे ही रामपुर में रोड के ऊपर, उसके बाद जैसे उन्हें चुना गया अयोध्या के लिए, किस तरह वाल्मीकि समाज महसूस कर रहा है आज? आज गौरव माय देखो वो कर रहा है कि हम लोगों को पूछा नहीं जाता था, हम लोगों का कोई वो नहीं था, आज हमारे धर्म गुरुओं ने लोहा मनवा कर और भूमि पूजन में एक ऐसे बड़े कार्यक्रम में बुलाया गया।